मेरा नाम डॉक्टर बिलकीस है, मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। मुझे कहा गया कि माँ के बारे में कुछ कहें, तो माँ तो एक ऐसी हस्ती है जो कि जिसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 24 घंटे हर दिन हर वक्त माँ हमेशा आपके दिल में रहती है, आपकी आंखों के सामने रहती है, आपको याद आती रहती है उसकी हर वो बात, हर वो चीज़ जो वो आपके लिए करती है। मेरा ख्याल है कि हर माँ ने अपने औलाद के लिए वही कुछ किया होगा जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया। मेरी माँ की एक ऐसी अनकंडीशनल लव है जो कि कभी किसी के लिए कम नहीं हो सकती। जो वो मेरे लिए करती रही हैं मैं उनको कभी भुला नहीं पाऊँगी। मेरा बिस्तर गीला था, वो मेरे गीले बिस्तर पे सो के मुझे खुश बिस्तर पे सुलाती थी, मेरे लिए रातों को जागती थी, मेरी तकलीफ के साथ दुखी होती थी, मेरी खुशी के साथ खुश होती थी, दिन रात मेरे लिए दुआएं करती थी। आजकल जो कुछ भी मैं हूँ, जिस पोजीशन पे भी मैं हूँ, मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। अल्लाह ताला ने मेरी माँ मुझसे ले ली 2 साल पहले। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी वालदा की बेइंतहा मग़फ़रत फरमाए और उनको उनके दर्जात बुलंद के फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और अगर दूसरी ज़िंदगी में मुझे चूज़ करने की ख्वाहिश हुई तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि मेरी माँ ही मेरी माँ बने। मेरा अभी भी बहुत दिल करता है कि मैं उसकी गोद में सर रखूँ और इतना रोऊँ और उसको हक करूँ, उसको प्यार करूँ, उसको चूमूँ। और जब भी मैं हॉस्पिटल में आया करती थी, जिन दिनों बीमार थी, मैं उनके पैरों को चूम के हॉस्पिटल आती थी। दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपनी औलाद के लिए कभी बुरा सोचे। माँ हमेशा माँ ही होती है और माँ जैसी हस्ती इस पूरी कायनात में कोई नहीं। थैंक यू।